कहते हैं कि आस्था का कोई पैमाना नहीं होता है। भगवान के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भक्त किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ सकते हैं। बाबा रामदेव का मेला एक ऐसा स्थल है जहां पर भक्तों की आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर साधारण व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेता है कि क्या वाकई में असलियत में यहां ऐसा भी हो सकता है। लोक देवता बाबा रामदेव, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शनों को जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले कुछ श्रद्धालुओं की भक्ति देखकर तो कभी कभी सच में हैरत होती है कि क्या कोई इतनी आस्था से भी भक्ति कर सकता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हैं बाड़मेर के बालोतरा के रहने वाले सखाराम, जो पिछले 9 सालों से बालोतरा से रामदेवरा तक घुटनों के बल चल कर आते हैं। जी हाँ, सखाराम ने बाबा रामदेव से एक मन्नत मांगी थी, जिसके बदले उन्होंने 12 बार कनक दंडवत बाबा की समाधि के दर्शनों की बात कही थी। इस दफा 9वीं बार सखाराम रामदेवरा पहुंचे हैं। हमके पहला तो 28 दिनों 500 दंडवत में हमके लगा, एक महीनो 4 दिन दंडवत में गुड़िया गुड़ो माते आलियो बाबा का दर्शन करवा लिए 1 किलोमीटर अलगो हूँ। जय बाबा, बाबे मंशा पूर्ण कीजिए। तेज चिलचिलाती धूप और तांबे से भी तेज तपन पैदा करने वाली डांबर की सड़कें, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, वहां सखाराम घुटनों के बल चलकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने पहुंचे हैं। सखाराम के मुताबिक पिछले 34 दिनों से वो लगातार यात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंचे हैं। सखाराम का कहना है कि इस कठिन यात्रा के लिए उनका शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन बाबा रामदेव उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके बलबूते वो अपनी इस कठिन यात्रा को आसानी से पूरा कर लेते हैं। सखाराम ने बताया कि पिछले 34 दिनों तक घुटनों के बल चलते हुए उन्होंने प्रण किया था कि जब तक वो बाबा रामदेव के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे में भूख प्यास को पीछे छोड़ते हुए अपने उपवास के साथ रामदेवरा पहुंचे सखाराम की भक्ति को देखकर रामदेवरा में हर कोई अचंभित है। जैसलमेर से जी मीडिया के लिए मनीष की रिपोर्ट।